नमस्कार वन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय। राजस्थान रॉयल्स के स्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक्स इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन से बाहर हो गए हैं। बेन स्टोक्स उंगली में चोट के कारण इस टूर्नामेंट से बाहर हुए हैं। आईपीएल से बाहर होने के बाद अब स्टोक्स इंग्लैंड रवाना हो चुके हैं, जहां उनको उनकी उंगली का सर्जरी कराना है। लेकिन रवाना होने से पहले टीम ने अपने स्टार ऑलराउंडर को फेयरवेल पार्टी दी, जिसमें बेन स्टोक्स काफी ज्यादा भावुक हो गए। दरअसल इस फेयरवेल पार्टी में बेन स्टोक्स को एक टी शर्ट गिफ्ट की। ये राजस्थान रॉयल्स की स्पेशल जर्सी थी, जिस पर उनके दिवंगत पिता का नाम लिखा हुआ था। इस भेंट को पाकर स्टोक्स काफी ज्यादा भावुक हो गए। बता दें, बेन स्टोक्स करीब 12 सप्ताह तक क्रिकेट एक्शन से दूर रहेंगे, क्योंकि उनके बाएं हाथ की उंगली की सर्जरी होगी। 29 साल के इंग्लिश ऑलराउंडर शुक्रवार की रात इंग्लैंड रवाना हो गए थे। आपको बता दें, राजस्थान रॉयल्स ने अब तक मौजूदा आईपीएल में 2 मैच खेले हैं। पंजाब किंग्स के खिलाफ पहले मैच में रॉयल्स को शिकस्त मिली, जबकि दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ रोमांचक मैच में आखिरी ओवर में टीम ने जीत दर्ज की। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।